हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम होम कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लीची का जूस। मार्केट में जो लीची का जूस मिलता है, बिल्कुल इसी स्टाइल में हम आज इसको बनाएंगे। गर्मियों में ये मिलने वाला लीची हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, और ये लीची का जूस हमारे शरीर में एनर्जी देता है। अगर इस तरीके से लीची का जूस बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे। ये लीची का जूस एकदम मार्केट की जैसा लगता है, मार्केट से लाना आप भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 10-12 लीची ले रहे हैं। हम यहाँ पे फ्रेश 10-12 लीची ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 गिलास जूस बनाएंगे। उसके बाद इन सब का छिलका को निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। ये लीची का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो इन सबको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, हम इसको अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। उसके बाद इसको नाइफ़ की मदद से हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसका बीज को निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको नाइफ़ से ही करेंगे ताकि अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये नाइफ़ से थोड़ा ईजी होता है इसका बीज को निकालने में। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सारे बीज को निकाल लिए हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ के मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और सारे लीची को डाल देंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक। काला नमक से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। आधा कटा नींबू डाल रहे हैं, इससे खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम मार्केट स्टाइल में। उसके बाद इसमें हम 2 गिलास ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आ गया है। तब इसको हम यहाँ पर छान लेंगे क्योंकि जो लीची का जो पार्ट होता है कुछ कुछ, वो ग्राइंड नहीं हो पाता है मिक्सी में। तो हम इसको अच्छे से निकाल ले रहे हैं, छान लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे इसको छान लिए हैं, इसका जो पानी है वो निकल चुका है। तो अब हम एक गिलास ले लेंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तो अब ये हमारा लीची का जूस एकदम बनके तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।